भक्तों के प्रिय बापू मंत्र दीक्षा का प्रसाद देकर एक बहुत ही खूबसूरत आत्मिक शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन जब वो भौतिक पीड़ाएं अथवा प्राकृतिक आपदाएं सताती हैं, तो उनसे निपटने का सामर्थ्य देने के लिए भी दिलो जान से आगे आते हैं। जो भूकंप आया था उसमें बहुत क्षति पहुंची, बहुत से मकान ध्वस्त उड़ गए, इस कारण से जनता एकदम अनाथ टाइप की हो गई रही। उसी टाइम जो पानी गिर गया, उसके बाद बापूजी की जो कृपा हुई हम लोग के ऊपर, सभी के ऊपर, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। बापूजी ने गरीबों के लिए कपड़े, मकान, चद्दर, टीन, जितनी भी बापूजी से वो बनी और वे सबके पिता बनकर सबका सहयोग किया। उनने उनके आने से इधर पे एकदम हर्ष है और सभी प्रसन्न हैं उनके आने से। किसी लोगों ने हमको पन्नी दी, किसी लोगों ने कपड़े दिए, किसी लोगों ने हमको राशन दिया, किसी लोगों ने खाने की व्यवस्था की। मलेट्री आई वो हम लोगों को खाना बांटती रही, हम लोगों के मकान बापूजी ने बना के दिए। जब भूकंप से हम लोग खुशी हो गए, मकान बना के बापूजी जी ने दिए तो हम लोग खुश हो गए। हम लोग बापूजी का गुण कभी नहीं भूलेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ित हो या गुजरात के भूकंप पीड़ित, बापू के दिल में सभी के लिए वेदना आई और बापू अपनी टीम के साथ इन पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़े चले आए। जरूरतमंदों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे और दक्षिणा देकर समझाया कि भगवान नाम का सहारा लेने से सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। बापू अपने साधकों को भगवत प्राप्ति का पाठ कई तरह से पढ़ाते हैं, कभी खेल कर, कभी नाच कर, कभी डांट कर, तो कभी सेवा भाव देकर। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों की जान जोखिम में डालती हैं, बापू अपने सभी साधकों को बढ़ चढ़कर आगे आने को कहते हैं और बापू के लगभग सभी साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन पीड़ितों की सेवा में जुट जाते हैं। क्योंकि जो नजदीकतम गांव और पानी में दिनांक दो कुछ अंदर जा चुका था, जिससे वो गांव के लोग पलायन कर चुके थे। इसके अलावा जिनको कुछ सुविधाएं दिखाई दी, वो पानी से दूर कहीं खेतों में, कहीं खुले मैदान में भागने लगे। करीबन रात को 9 बजे से बाढ़ बढ़ना शुरू हो गई थी और कम से कम ये जो पेड़ दिख रहा है ये डूब चुका था। इस जमीन से 20 फुट करीबन पानी था। यहाँ हम लोग सब घर बार जो भी हमारा सामान वामान था अपनी जान बचाई और यहाँ से चले गए। जी हाँ, एक प्राकृतिक आपदा ही एक गरीब से सब कुछ छीन लेती है, क्या घर तो क्या परिवार। ऐसे में तो जान बचाना ही अहम हो जाता है। बाढ़ आ जाने पर जहाँ लोग नदी में बढ़ते पानी के खौफ से सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, वहीं बापू के साधक अनाज, बर्तन, कपड़ा वगैरह लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उन बाढ़ पीड़ितों को बांटना शुरू कर देते हैं। और ये सेवा कार्य भगवान नाम जाप के साथ साथ चलता रहता है। जरूरतमंदों को खाना कपड़ा देकर बदले में उनसे हरि ओम की गूंज ही मांगी जाती है। देखने में ये कागज की प्रति राशन कार्ड जैसी लगती है, लेकिन ये बापू की सेवा समिति द्वारा वितरित किए गए अनाज वितरण प्रणाली का पंजीकरण पत्र है। ये अनाज वितरण कार्ड उन गरीबों को मुहैया कराया गया है जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इस कार्ड पर बापू की सेवा समिति गाँव में जाकर गरीबों को रेगुलर अनाज बांटा करती है ताकि उनकी गुजर बसर आसानी से हो सके। बापू की सेवा समिति ये शुभ काम पिछले कई सालों से चला रही है और अब तक हजारों की संख्या में अनाज वितरण प्रणाली के सदस्य बन चुके हैं। बापू की सेवा समिति गरीब तबके के गाँव में पहुँचकर अनाज बांटने का काम शुरू कर देती है। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, यानी किसी गरीब को भगवान नाम लेने को कहने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना जरूरी होता है कि उसके पेट में रोटी भी गई है या नहीं।